कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण देश में हाहाकार की स्थिति हो गई है। देश के हर हिस्से में बड़ी संख्या में वायरस से संक्रमित लोग हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। इनके अभाव में हजारों ऐसे संक्रमितों की जान जा चुकी है जिन्हें बचाया जा सकता था। देश भर में लोग ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर मांग कर रहे हैं। देश की ऐसी हालत देखकर बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर का दिल टूट गया है। उन्हें अब सोशल मीडिया पर जाना और न्यूज़ चैनल देखना बहुत अजीब लगता है। शक्ति कपूर लंबे समय से घर पर ही रह रहे हैं। वो महामारी के चलते घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने कहा कि वो बीते साल बहुत मुश्किलों से भरा हुआ निकला है। मौत अब और करीब आ गई है। पहले लोग बोलते थे मरने वाला है, मरने वाला है, और उससे 10 साल लग जाते थे। अब लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। मौत क्या है, अब ये बहुत आसान है। अब मैंने अभी सुना, दोस्त के भाई को सुबह अस्पताल लेकर गए थे और शाम को वो नहीं रहे। इसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। शक्ति कपूर ने आगे कहा कि परिस्थिति हाथ से निकलती जा रही है। वो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं और लोगों से जल्द ही जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं। उनका मानना है कि वैक्सीन लगवाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।